भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में अब ज्यादा दिन बीच में नहीं बचे, बस 2 दिन का समय बीच में बचा है। 22 तारीख को भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा उनकी होने वाली है। इसी के चलते पूरा देश राममय हो चुका है इस समय पे, और आप देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में भगवान श्री राम को लेकर धूमधाम का उत्सव चल रहा है। हर एक जगह पे हम देखते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, तमाम जगहों पर, छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में भगवान श्री राम को लेकर कलश यात्राएं निकाली जा रही हैं। पूरा देश ऐसा लग रहा है कि दोबारा 22 जनवरी को एक नया उत्सव दीपावली के रूप में मनाने जा रहा है। कलश यात्रा के लिए हम बता दें आपको, पूरे देश भर के अलग अलग हिस्सों में और कल छतरपुर जिले की पमीठा नजदीक स्थित ग्राम दुपारिया में एक बहुत ही सुंदर कलश यात्रा निकाली गई। जैसा कि आप देखते हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कस्बों में कलश यात्रा हर एक रोज कहीं ना कहीं पर निकल रही है, रोज न्यूजों में आ रही है, समाचार पत्रों में आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर कलश यात्रा निकाली गई। ऐसे ही कल ग्राम दुपारिया में एक बहुत ही सुंदर कलश यात्रा निकाली गई, वहाँ पर जो गांव के तमाम लोग हैं वो तमाम लोग उपस्थित रहे। यह बहुत ही धूमधाम से इस उत्सव को मनाया गया वहाँ के लोगों के द्वारा। कलश यात्रा में तमाम जो गांव की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं और पुरुषों ने अपने सर पर कलश रख के पूरे गांव में घुमाए। हर एक जगह पर वो अपने गांव के अलग अलग हिस्सों में गए, जहां जहां भी वो जा सकते थे। और इसके चलते जो वहां के महाराज जी हैं गांव के, उनका इस पर क्या कहना है ये भी आप देखिए आगे। लेकिन ये जो कलश यात्रा है बहुत ही धूमधाम से निकाली गई, आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे वीडियो में, ये कलश यात्रा बड़े ही धूमधाम से, यहाँ पर डीजे भी कलश यात्रा के साथ लोग झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए और कीर्तन बजाना के साथ साथ ही साथ घोड़े के डांस के साथ यह कलश यात्रा निकाली गई। सबसे पहले आप महाराज जी को सुनिए, जो वहाँ के महाराज जी हैं, जो वहाँ के लोगों का कहना है इस भव्य कलश यात्रा की, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। इसके बाद से हम आपको आगे बताते हैं। सबसे पहले आप हमारे पत्रकार साथी राजकुमार पटेल की रिपोर्ट देखिए, वहाँ पर उन्होंने वहाँ के लोगों से बात की है, वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है देखिए आप वीडियो में, इसके बाद हम आगे बताते हैं। क्या नाम है बाबा जी आपका? हम दास परंपरा के अंतर्गत, हमारा नाम संत कमल दास, हम दुपारिया में हैं। क्या कार्यक्रम रखा गया था यहाँ पे आज? हमारे यहाँ अयोध्या जी से साक्षात प्रभु श्री राम जी के रूप में हमारे यहाँ कलश आया था, और उस कलश को हमने पूरे गाँव में बताया, और कलश हर घर से गांव वालों ने कलश यात्रा निकाली, सब ने कलश बनाए और बड़े सभी लोग उत्साहित होकर के पूरे गांव में कलश यात्रा निकाली गई। 22 तारीख को कार्यक्रम होने जा रहा है अयोध्या में, उस उपलक्ष्य में आप ग्रामवासियों से क्या कहेंगे? बड़े खुशी की बात है कि 550 वर्ष से भगवान श्री राम जी टेंट में बास रहा है उनका, और हमारे 22 तारीख को प्रभु श्री राम जी का मंदिर निर्माण होकर के उनमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। और बड़े उत्साह की बात है कि हम अयोध्या तो नहीं पहुंच सकते सभी ग्रामवासी, लेकिन हम अपने ही आश्रम पर अयोध्या बना कर के और यहीं पर उनका राज तिलक करेंगे और यहां उत्साह मनाएंगे, और सभी ग्रामवासियों से प्रभु श्री राम जी से यही आग्रह करेंगे, यही निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु श्री राम जी की कृपा हमारे ग्रामवासियों के ऊपर सदा बरसती रहे और कृपा रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष जमींदार है। आज यहाँ ग्राम दुपारिया में क्या कार्यक्रम रखा गया था? आज का प्रोग्राम जो था वो बहुत ही भव्य प्रोग्राम था। जैसा कि आपको बता दें सभी को कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम अयोध्या धाम में 22 तारीख को पधार रहे हैं, उसी के उपलक्ष्य में आज हम सब ग्रामवासियों ने तन मन धन से बड़े उत्साह से आज का जो कलश यात्रा का प्रोग्राम रखा गया है। 22 तारीख को कल श्री राम मंदिर में शुभारम्भ होने जा रहा है, इसमें आप सभी ग्रामवासियों से क्या कहना चाहते हैं? हम ग्रामवासियों से और सभी क्षेत्रवासियों से यही कहना चाहते हैं कि हमारे भाग्य बड़े ही भाग्यशाली है हम आप, जो दोबारा दीपावली की तरह हम लोग इस 22 तारीख को मनाने जा रहे हैं, और हमारे सभी क्षेत्रवासी, हमारे पूरे भारत देशवासियों के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है कि जो 500 साल बाद आज हमारे भगवान, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम 22 तारीख को अपने पुनः मंदिर घर में विराजमान होने जा रहे हैं। उस पर आप सभी ग्रामवासियों से क्या कहना चाहते हैं? ग्रामवासियों के लिए तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जैसा सहयोग आज कलश यात्रा में किया है, वैसे ही 22 तारीख को अपना अपना
मत अपना अपना जो भी दान हो तो सभी लोग इकट्ठे गांव के आकर के और मंदिर पर एक भव्य प्रोग्राम हम सब मिलकर के करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना, दुपारिया गांव के जो महाराज जी हैं, कुटीपा जो रहते हैं, उनको सुना आपने, उनका कहना है कि ये उत्सव बहुत ही धूमधाम से हम लोग मनाएंगे 22 जनवरी को, जो 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसी दिन को हम अपने गांव में, क्योंकि गांव के सभी लोग तो अयोध्या नहीं पहुंच सकते हैं, इसी के चलते हम अपने गांव में ही मंदिर पर भगवान श्री राम का टीका करेंगे, यहीं पर बहुत ही धूमधाम से इस उत्सव को मनाएंगे। और इसके अलावा आप पिछले हमारे जो पीछे वीडियो में आप देख पा रहे हैं, पीछे वीडियो में देखे हैं आप, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गाँव में कलश यात्रा कितनी धूमधाम से निकाली गई है। ये संपूर्ण खबर जो आपने सुनी, अभी आपने पीछे देखी, ये पूरी खबर हमें भेजी थी हमारे पत्रकार साथी राजकुमार पटेल ने। मेरा नाम है भरत, आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आगे देखते रहिए खबर टीवी।